दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य के खूबसूरत पहाड़ियों से घिरे अनूपपुर ज़िले की बात करेंगे और इससे जुड़ी रोचक बातें, प्रमुख पर्यटन स्थल व यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के जीवन स्तर को भी जानेंगे। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PN नॉलेज में। चलिए शुरू करते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में पहाड़ियों से घिरा एक बेहद खूबसूरत ज़िला है, जिसका गठन 15 अगस्त 2003 को शहडोल ज़िले से अलग कर किया गया था। अनूपपुर ज़िले का प्राचीन नाम नर्मदापुर व कपिलग्राम था। इसके इतिहास के अनुसार अमरकंटक में चेंदी और कलचुरियों का शासन रहा है। अनूपपुर ज़िला मध्य प्रदेश के शहडोल, उमरिया, डिंडोरी व छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया व बिलासपुर ज़िले से घिरा हुआ है। ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3746.71 वर्ग किलोमीटर व समुद्र तल से ऊंचाई 505 मीटर है। अनूपपुर ज़िले में 4 तहसीलें पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैतहरी व कोतमा तथा 603 गांव हैं। यहां पर मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। अनूपपुर ज़िले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 749,237 थी, जिसमें 379,114 पुरुष व 370,123 महिलाएं थीं। ज़िले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 74,385 एवं अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 358,543 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अनूपपुर ज़िले का लिंगानुपात 976 है, यानी 1000 पुरुषों में 976 महिलाएं हैं। साक्षरता दर 67.90% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 78.30% व महिला साक्षरता 57.30% है। ज़िले का लगभग 20.40% भाग वनों से आच्छादित है। यहाँ पर मुख्य रूप से साल, आंवला, सागौन, सरई, बबूल व शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अनूपपुर ज़िले की मुख्य नदी सोन, जोहिला व नर्मदा है, जिनका उद्गम स्थल अमरकंटक है। इनके अलावा केवई व तिपान के साथ कई अन्य सहायक नदियां हैं, जो ज़िले को हरा भरा बनाए हुए हैं। अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से निकली नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी व भारत की 5वीं बड़ी नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, जिसे सोनभद्र या स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार से बहते हुए पटना के समीप दीनापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। अनूपपुर ज़िले में मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज निकाला जाता है, जो अमरकंटक में मिलता है। इसके अलावा यहाँ कोयला व फायर क्ले खनिज भी मिलता है। ज़िले में कई छोटे लघु उद्योग भी संचालित हैं, जैसे पॉलीथीन निर्माण, बांस की टोकरी बनाना एवं बीड़ी उद्योग आदि। ज़िले में रेलवे यातायात की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें अमलाई, अनूपपुर, जैतहरी, वेंकटनगर, कोतमा व बिजुरी मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। अनूपपुर ज़िले के दक्षिण पूर्वी रेलवे में बिलासपुर कटनी अनुभाग के अमलाई रेलवे स्टेशन पर अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट स्थापित है। इस पावर प्लांट की पहली इकाई को 1977 में चालू किया गया था। इस पावर प्लांट के लिए पानी सोन नदी पर निर्मित सुतना बांध से लिया जाता है तथा कोयला साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की खदानों से रेल द्वारा आता है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट से 450 मेगावाट की बिजली मिलती है। इसके अलावा यहाँ जैतहरी में भी हिंदुस्तान तापी विद्युत संयंत्र
की पहली इकाई स्थापित है, जिससे 2520 मेगावाट की बिजली मिलेगी। इस संयंत्र से एमपी और यूपी को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय मरकंटक स्थापित किया गया है। इसे भारत सरकार द्वारा अधिनियम 2007 के अंतर्गत बनाया गया है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य जनजातियों के लिए उच्च शिक्षा और शोध के नए अवसर प्रदान करना है। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में राजनीति विज्ञान और मानव अधिकार, समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान, सामाजिक कार्य, जनजातीय अध्ययन और शारीरिक शिक्षा व 2017 में कंप्यूटर साइंस को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अनूपपुर जिले की प्रमुख फसलें धान, कोदो, कुटकी व मक्का हैं। इसके अलावा यहाँ पर सहजन, स्ट्रॉबेरी व नाशपाती का उत्पादन होता है। नाशपाती का उत्पादन किसानों द्वारा आम्र परियोजना के सहयोग से होता है। नाशपाती उद्यान की विभाग के शासकीय उद्यान अमरकंटक एवं किरगी में उत्पादन किया जाता है। अनूपपुर जिले में रहने वाले आदिवासियों का जीवन स्तर बहुत ही सरल है। इनके घर मिट्टी व बांस की छड़ों से बने होते हैं। आदिवासी पुरुष धोती, बांधी, फटोही और टोपी पहनते हैं तथा महिलाएं कंस नाम की साड़ी पहनती हैं। साड़ी हमेशा बॉडी कलर की होती है। आदिवासी महिलाएं अपने हाथ व पैर को रगना पसंद करती हैं। वे बांस, बीज और धातुओं से बनी विभिन्न प्रकार के गहने पहनती हैं। दोस्तों, अनूपपुर ज़िले के पार्ट 1 में बस इतना ही। मिलते हैं अनूपपुर ज़िले के पार्ट 2 में।